दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं और एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए जिनका इस्तेमाल आज हम रोज की जिंदगी में करते हैं। टेस्ला को एक रहस्यमय वैज्ञानिक भी माना जाता है। कहते हैं उन्होंने समय यात्रा की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखा है। इससे संबंधित उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। टेस्ला ने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया और माना जाता है कि उनमें विलक्षण स्मृति थी। वो 8 भाषाएं के जानकार थे, जिसमें सर्बोक्रोशियन, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन का समावेश है। दोस्तों, हम बात करेंगे टेस्ला की जीवन यात्रा के बारे में। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को सर्बियन माता पिता मिलुटिन टेस्ला और ड्यूका टेस्ला के परिवार में ऑस्ट्रियन साम्राज्य में हुआ था। अभी वो वर्तमान में क्रोएशिया नाम से हम सब जानते हैं। 1870 में निकोला टेस्ला ने कार्लोवेग के स्कूल में प्रवेश लिया और उस स्कूल में अपने गणित शिक्षक मार्टिन सेकुलिक से प्रभावित हुए थे। टेस्ला उस समय के प्रश्नों को अपने मन में ही हल करने में सक्षम थे। उनके शिक्षकों को उन पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यासक्रम 3 वर्ष में पूरा किया। 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और अपने प्रथम वर्ष में उन्होंने सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे, 9 परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सभी में सर्वोत्तम संभव गुण प्राप्त किए। टेस्ला के कुछ महत्वपूर्ण खोजें: एसी बिजली, टेस्ला वेव्स, बिजली से चलने वाली मोटर, वायरलेस संचार, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल, राडार। टेस्ला और एडिसन। 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों में अभिकल्पन में सुधार करने लगे। जून 1884 में उनका स्थानांतरण न्यूयॉर्क अमेरिका कर दिया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि यदि वह उस कार्य में सफल हो गए तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गए। एडिसन ने अपने वादे को लेकर एक मजाक उड़ाया था और गुस्से और टेस्ला को गुस्सा आ गया। टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से कम नहीं थी, लेकिन उस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में वो चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो एडिसन को मिली। एडिसन से उसकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा की विषय थी। हालांकि उसने एडिसन के लिए काम भी किया। वो समय था एडिसन के डीसी करंट टेस्ला के एसी करंट से लड़ाई का। एडिसन ने एसी करंट का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक हाथी को जनता के सामने करंट देकर उसको नष्ट किया। लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ एसी करंट से पहुंच सकती थी और अंततः टेस्ला की विजय हुई। उस समय अमेरिका में एडिसन की आविष्कृत डीसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ऐसी विद्युत धारा को कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा। टेस्ला ने डीसी की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और ऐसी एसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इस धारा की यह विशेषता होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाकर काफी दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा संभव नहीं। साथ ही ऐसी चलती मोटर और दूसरे उपकरणों में डीसी की अपेक्षा कम बिजली खर्च होती है। उस समय तक डीसी सिस्टम काफ़ी बड़े पैमाने पर लागू था और एडिसन कंपनी डीसी उपकरणों को ही बनाता। एडिसन ने इस नए सिस्टम का विरोध किया। नतीजे में टेस्ला ने उसकी कंपनी को अलविदा कह दिया और उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के साथ मिलकर नई कंपनी की बुनियाद डाली, जिसने एसी करंट की उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। एडिसन की कंपनी छोड़ने के पश्चात उन्होंने अपनी स्वयं की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। इस कंपनी में उन्होंने डायनामो इलेक्ट्रिक मशीन,
कम्यूटेटर का अभिकल्पन किया। टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। उसका एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार एसी इलेक्ट्रिक मोटर है। उन्होंने नियाग्र जलप्रताप नायगरा फॉल्स पर पहला फर्स्ट वाटर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। 1887 में टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट से चलने वाली इंडक्शन मोटर बनाई। उस आविष्कार ने टेस्ला के लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। उसके पश्चात के वर्षों में टेस्ला और एडिसन के मध्य प्रसिद्ध डीसी करंट का टेस्ला के एसी करंट से युद्ध चला। अंततः इससे टेस्ला के एसी करंट की विजय हुई, क्योंकि यह तरीका लंबी दूरी तक विद्युत के संवहन के लिए उपयुक्त था। माना जाता है कि टेस्ला ने 1895 और 96 में एक्स किरण की खोज कर ली थी, जो कि रॉड चेन की 1996 की खोज से पहले थी, लेकिन उनकी प्रयोगशाला में लगी आग से सारे उपकरण जलकर राख हो गए थे। मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन यह तथ्य है कि उस आविष्कार में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं है। उसी ने यह सिद्धांत दिया कि वायुमंडल के बाहरी आयन मंडल से होकर रेडियो तरंग की पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है। उसने रेडियो में प्रयुक्त होने वाली टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किया, वायरलेस पावर सप्लाई का विचार दिया, जो बाद में लेजर रेस का आधार बना। एक बार उन्होंने अपने उपकरण टेस्ला स्कोप पर कुछ अज्ञात सिग्नल रिकॉर्ड किए, जो उनके अनुसार किसी अन्य ग्रह से भेजे जा रहे थे। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन काल में 300 पेटेंट प्राप्त किए। उसके अतिरिक्त टेस्ला के द्वार किए गए ऐसे कई आविष्कार हैं जिन्हें उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।